जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सरकारी एग्जाम कर रहे दोस्तों। जैसा कि आपको पता है कि हमने आपको फाइनली आज एमलिट की मार्कशीट भी मिल गई है, तो हमारे इस कोर्स करने से गवर्नमेंट जॉब पा सकते हैं। ये कोर्स गवर्नमेंट जॉब के लिए ही है मोस्टली, और इस वर्तमान समय में गवर्नमेंट की सारी सीटें खाली पड़ी हुई है। तो फाइनली गाइस, अगर आप भी एक गवर्नमेंट जॉब पाना चाहते हैं तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, लास्ट तक देखिएगा तो आपको काफी बेनिफिट मिलने वाला है। तो दोस्तों गाइस, अगर आप भी पुस्तकालय अध्यक्ष बनना चाहते हैं, और आखिर क्या क्राइटेरिया रहता है पुस्तकालय अध्यक्ष बनने के लिए, आखिर एक लाइब्रेरियन के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए कि वो एक लाइब्रेरियन बन सके, तो आज की वीडियो में आपको सारी जानकारी मिलने वाली, क्योंकि आज हम आए हैं कानपुर के जुहारी देवी कॉलेज, जहाँ पर लाइब्रेरी डिपार्टमेंट के एक सर हैं। उनसे आप से इंटरव्यू में आज पूछने वाले हैं आखिर एक लाइब्रेरियन बनने के लिए, एक पुस्तकालय अध्यक्ष बनने के लिए क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, क्या कोर्स करना चाहिए। तो सारी जानकारी आज की वीडियो में आपको मिलने वाली है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। तो दोस्तों आइए स्टार्ट करते हैं, वीडियो दिखाते हैं आपको। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सरकारी एग्जाम कर रहे दोस्तों। जैसा कि आपको पता है कि हमने आपको पहले भी अपनी वीडियो में बता चुका हूँ कि मैंने सी लिप, बी लिप एंड एम लिप का कोर्स किया है। तो आज हमारे गुरुजी हमारे साथ है, जिन्होंने हमने काफ़ी अच्छे से हमको बताया, काफ़ी कुछ सीखा है मैंने उनसे। तो आइए आपको दिखाते हैं, और हमको फाइनली आज एम लिप की मार्कशीट भी मिल गई है। तो हमारे गुरुजी यहाँ बैठे हुए हैं, देख सकते हैं, बोलना चाहते हैं हमारी ऑडियंस से। जैसे कि आपको पता है कि हमारा चैनल है सरकारी एग्जाम खबरी। तो आज सर, बहुत से स्टूडेंट जो हैं वो सी लिप, एम लिप, बी लिप यानी कि लाइब्रेरी का कोर्स कैसे क्या होता है कुछ जानकारी नहीं है, तो थोड़ा सा आप उनको थोड़ा सा जानते हैं। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि पुस्तकालय विज्ञान, पुस्तकालय में विज्ञान शब्द जुड़ा हुआ है, इसका मतलब है इसमें कुछ ना कुछ टेक्नोलॉजीज का यूज होता है। आज इस मॉडर्न जमाने में पुस्तकालयों का स्वरूप बदलता जा रहा है, जैसा कि पहले पुस्तकालय हुआ करते थे वैसे अब पुस्तकालयों का स्वरूप नहीं रहा। आज पुस्तकालयों को दिन प्रतिदिन इनकी बदलती तस्वीर जी सर बढ़ती चली जा रही है, और इसमें जो इसके जो कोर्स चलाए जाते हैं राज्य सरकार द्वारा, पुस्तकालय विज्ञान में 6 माह का प्रमाण पत्र और स्नातक स्तर पर पुस्तकालय, स्नातक में पुस्तकालय विज्ञान एवं सूचना विज्ञान, एवं परास्नातक स्तर पर पुस्तकालय विज्ञान एवं सूचना विज्ञान का कोर्स संचालित है। सर जैसे कि मैं एक बात पूछ लूँ सर, जैसे कि बहुत से आप युवा हैं जो वो ज़्यादातर गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रेफरेंस देते हैं, तो क्या इस कोर्स करने से गवर्नमेंट जॉब पा सकते हैं? ये कोर्स गवर्नमेंट जॉब के लिए ही है मोस्टली, और इस वर्तमान समय में गवर्नमेंट की सारी सीटें खाली पड़ी हुई हैं, सरकार इस पर उदासीन है। जब भी इसकी वैकेंसियाँ निकलेंगी सारी सरकारी वैकेंसियाँ ही हैं, और अशासकीय महाविद्यालयों में एवं सेल्फ फाइनेंस कॉलेजों में सारी सीटें पुस्तकालय विज्ञान की भरी जाती हैं। तो सर जैसे कि नॉर्मली अगर कोई कोर्स ये करना चाहता है छोटी सीरीज जैसे सीलिप में तो करने के लिए एलिजिबल क्राइटेरिया रहता है। सीलिप के लिए इंटरमीडिएट क्वालिफिकेशन हो, चाहे वो उसमें आर्ट से हो, साइंस से हो, वाणिज्य से हो, तो सभी कोर्स ये जो ये इंटरमीडिएट क्वालिफिकेशन है, या वो इंटरमीडिएट से ऊपर कोई भी क्वालिफिकेशन उसकी है वो कर सकता है, रहे इसे करने के लिए जी सर। और बीलिप के लिए स्नातक होना अनिवार्य है जी सर। थैंक यू सर, आपने इतनी इन्फॉर्मेशन दी। काफी स्टूडेंट यही पूछते हैं कि सीलिप होता है क्या है ये सब कुछ, बहुत सारे लोगों को अभी इसमें जागरूकता नहीं है। आप इस चैनल के माध्यम से सभी छात्र छात्राओं को जागृत करिए और इसके महत्व बताइए। अब महाविद्यालयों में, पुस्तकालयों में सीलिप अनिवार्य कर दिया गया है, और ट्रिपल सी जो नैलेट से है वो भी अनिवार्य कर दिया गया राजाज्ञा के अनुसार। तो जिन छात्रों को डिग्री कॉलेज में कैटलॉगर तक के लिए अप्लाई करना है उन्हें सीलिप अनिवार्य है। थैंक यू सर, और सर काफ़ी कहीं जाना है सर को, तो दोस्तों आपको काफ़ी मतलब डिटेल में किसी दिन इंटरव्यू आपको दिलाएंगे। तो काफ़ी लोगों ने पूछा था कि सीलिप क्या हो, एक वीडियो मैं आपके लिए और प्रोवाइड कराऊंगा। तो तब तक ही एंड करते हैं, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक कीप स्टडी एंड कीप वॉचिंग सरकारी एग्जाम कवरी।